सीखते हैं प्रोसेसिंग के लिए, तो प्रोसेसिंग से पहले इंट्रॉन के बारे में जान लीजिए। देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ इंट्रॉन्स, लाइक बी प्रोकैरियोट में इंट्रॉन पाया जाता है, आरकेएल में ग्रुप वन ग्रुप टू इंट्रॉन्स होते हैं, यूकैरियोट में न्यूक्लियर जीन में पाया जाता है, एमआरएनए फॉर्मिंग जीन में कुछ इंट्रॉन्स होते हैं, जीयूएजी या एयूएसी इंट्रॉन्स होते हैं, आरआरएनए में कुछ इंट्रॉन्स पाए जाते हैं, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू इंट्रॉन्स होते हैं, ऑर्गेनल्स में ट्विनट्रॉन्स या ग्रुप वन टू थ्री इंट्रॉन्स होते हैं, एंड टीआरएनए में प्री टीआरएनए इंट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो प्रोसेसिंग होती है बेसिकली इंट्रॉन्स को हटाने के लिए की जाती है। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ऑर्गेनिजम्स जो है ये आपके प्रोकैरियोट, ये आर्कियल ग्रुप वन और ग्रुप टू इंट्रॉन्स होते हैं। यूकैरियोट में जो होता है कि ये न्यूक्लियर जीन में एमआरएनए फॉर्मिंग जीन, एमआरएनए में जीयूएजी होते हैं। ये एमआरएनए का इंट्रॉन जो होता है स्प्लाइसोसोम मीडिएटेड होता है और सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग इसी का इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें देखेंगे आरआरएनए में ग्रुप वन ग्रुप टू इंट्रॉन्स होते हैं, टीआरएनए में आपके फॉर्मिंग जीन्स होते हैं। तो इनकी जो स्प्लाइसिंग वाला ये मैकेनिज्म है इसके ऊपर मैं अभी आऊँगा कि 25-33 है क्या, ठीक है, ये कोड आप समझ जाएंगे तो पूरा का पूरा पंगा जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेसिंग के तौर पे देखेंगे तो प्रोकैरियोट में प्रोसेसिंग आपका स्प्लाइसिंग नहीं होती किसी में भी, कटिंग ट्रिमिंग मॉडिफिकेशन राइबोसोमल आरएनए टीआरएनए एमआरएनए में प्रोसेसिंग, क्योंकि इंट्रॉन्स बहुत कम होते हैं तो प्रोसेसिंग नहीं होती है प्रोकैरियोट में। लेकिन यूकैरियोट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है स्प्लाइसिंग। अगर आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे तो स्प्लाइसिंग इज़ वन ऑफ द की लाइक थिंग जो कि आपके यहाँ पे पाया जा रहा है। स्प्लाइसिंग जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा कैपिंग जो कि आपको पढ़ना चाहिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जाननी चाहिए, कैपिंग पॉलीडनाइलेशन स्प्लाइसिंग आरएनए एडिटिंग इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। क्योंकि एमआरएनए की प्रोसेसिंग इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये प्रोकैरियोट में पाई नहीं जाती और जिसमें पाई जाती है वो है हमारे यूकैरियोट भैया। तो चलिए उसी के बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ें लर्न करते हैं, ठीक है, एक एक करके। कैपिंग क्या है, पॉलीडनाइलेशन क्या है, ये चीज़ें क्या है, इन्हीं के बारे में लर्न किया जाएगा। चलिए पहली चीज़ शुरू करते हैं कैपिंग से। कैपिंग का मतलब होता है कि 5' एमआरएनए जो सिंथेसाइज होता है उसके दो एंड्स पाए जाते हैं। यह भी आप लोगों को अच्छे से पता है कि जब एक एमआरएनए सिंथेसाइज होता है क्योंकि वो एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है तो उसके एंड तो होंगे 5' फॉस्फेट और 3' OH और 5' फॉस्फेट एंड तो होगा ही होगा। अब इसमें क्या है कि इसको थोड़ा सा बचाने के लिए कि कोई भी एक्जो न्यूक्लियस इस पर अटैक ना कर दे, ये स्टेबल रहे, आराम से साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट हो, इसको थोड़ा सजाया जाता है। सजाने के लिए, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए कैपिंग की जाती है। नाउ देखिएगा कि नॉर्मली जो होता है कि कोई भी एमआरएनए में पहला न्यूक्लियोटाइड जो है इससे तीन फॉस्फेट होते हैं, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा जो है यहाँ पे पाया जा रहा है। तो यू कैन सी हियर व्हेन लाइक यहाँ पे देखेंगे तो अल्फा बीटा गामा का केस हो रहा था। इसके बाद चीज़ें होती हैं कि फॉस्फोहाइड्रोलेजिस क्या तोड़ेगा, इसमें से गामा फॉस्फेट को हटा देगा। फॉस्फोहाइड्रोलेज जो होगा कौन से फॉस्फेट को, गामा फॉस्फेट को, गामा फॉस्फेट हटा देगा। इसके बाद 7-methylguanosine यहाँ वाला जो कैरेक्टर होगा अगर आप देख पाएंगे, ठीक है, सो 7-methylguanosine के ऊपर जब हम बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। नाउ देखिएगा तो 7-methylguanilate है, इसमें इस तरीके से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। क्या आता है बेसिकली जब हम बात करते हैं तो ये आता है GTP, ठीक है, छोड़ दो बाकी चीज़ें, GTP जिसमें से गुआनिन आएगा। अब गुआनिन जब आएगा तो देखिए गुआनिन में क्या है, GTP गुआनिन ट्राईफॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट में इसमें भी कौन होगा, अल्फा बीटा गामा। गुआनिलिल ट्रांसफरेज से पहले क्या होता है कि यहाँ से इसके गामा और बीटा फॉस्फेट को रिमूव किया जाता है। देखो गामा और बीटा, कलर से आप पता कर सकते हो गामा और बीटा गया, यहाँ पर गामा गया था, यानी कि अब जो बचा है जी प्रोटीन का अल्फा और बीटा और अल्फा बचा हुआ इनका, तो ये हो जाता है अल्फा बीटा अल्फा, यानी एमआरएनए का जो बचता है वो बचता है अल्फा एंड बीटा, और जो जी प्रोटीन का बचता है जीटीपी का बनता है, जी प्रोटीन जीटीपी का वो बचता है अल्फा। तो जो आपके इन्हीं तीन का एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है जो यहाँ पर एक्चुअल में यही बनाता है कैपिंग। जैसे गुआनिन ऐड किया, गुआनिन पे मेथाइल ट्रांसफरेज यूज़ कर दीजिए। मेथाइल ट्रांसफरेज यूज़ करके इस पर्टिकुलर 7th पोजीशन पे आपने क्या कर लिया, मेथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया गुआनिन पे, कैप कर दिया।
अगर पहला वाला ये जो न्यूक्लियोटाइड है अगर ये एडिनिन होता, अगर इफ द एडिनिन इज प्रेजेंट दियर, अगर पहले प्रेजेंट होगा तो इसके सिक्स्थ पोजीशन पे मेथाइल ग्रुप ऐड किया जाएगा, अगर नहीं होगा तो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से शुरू होगा और फिर उसी के हिसाब से कैपिंग का नाम दिया जाएगा N3N। अगर ये होता तो ये जो होता फर्स्ट कैप सेकेंड कैप इस तरीके से, नहीं ये जीरो एंड ये तो होता है जीरो कैप होता है और फिर या फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे चलेगा। अगर ये यहाँ पे एडिनिन नहीं होता इस जगह पे अगर एडिनिन नहीं है कुछ और होता तो ये जो है फिर कैपिंग यहाँ से शुरू होती पहली दूसरी, और अगर एडिनिन होता तो कैपिंग यहाँ से शुरू होती। यानी कहना क्या चाह रहा हूँ देखिएगा कि नॉर्मली कुछ इस तरीके के केस कहलाएंगे। ये है आपका पहला, मतलब कई सारे न्यूक्लियोटाइड के वो चीज़ें पाए जाएंगी कि मान लीजिए एक न्यूक्लियोटाइड है N1, N2, N3, N4 और सो ऑन, ठीक है। ये है आपका एडिनिन, ये है N2, N3, N4 और ये है लाइक कुछ भी हो सकता है गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन व्हाटएवर और यूरेसिल N2, N3 एंड N4, ठीक है। अब इसमें जो है GTP इस तरीके से जुड़ा हुआ था PPP ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, आपको अभी बताया गया था। ये जो है PPP इसी तरीके से GPPPP जुड़ा हुआ था और इसमें PPP क्या क्या थे आपको अच्छे से पता है, अगर नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा। ये है अल्फा इसका और यहाँ पे जो है ये है अल्फा और बीटा mRNA का, ये है अल्फा और बीटा mRNA का, ये है अल्फा और बीटा mRNA का और यह है अल्फा GTP का, ठीक है। इस पे आप क्या करते हैं मेथाइल ग्रुप को जोड़ देते हैं, जब इसको जोड़ देते हैं तो ये होता है जीरो कैप। क्या होता है? जीरो कैप। इस पे मेथाइल ग्रुप जुड़ा ही रहता था, जैसे आपने अगर एडिनिन था तो ये भी मेथाइलेट हो जाएगा और ये हो जाएगा तो वी से इट इज अ वन कैप, ये वन कैप हो जाएगा। और ये तो मेथाइल ग्रुप जुड़ा ही था पहला वाला, और अगर इस पे कोई और न्यूक्लियोटाइड है तो यहाँ पे मेथाइलेशन नहीं होगा, अब यहाँ से मेथाइलेशन होगा अगर जुड़ेगा भी तो वी से इट इज अ फर्स्ट कैप, ये जो है फर्स्ट कैप यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द केस कि ये पहले न्यूक्लियोटाइड अगर एडिनिन है तब भी उसको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये है कैपिंग का किस्सा। नाउ है पॉलीएडेनाइलेशन। पॉलीएडेनाइलेशन अकर्स एज द को ट्रांसक्रिप्शनली आफ्टर द क्लीवेज, जैसे ही क्लीवेज होता है तुरंत होना शुरू हो जाता है आफ्टर द क्लीवेज। क्लीवेज कौन करता था अगर आपको याद हो? रैट वन प्रोटीन जो आपको बताया गया था। साइट न्यूक्लियस होता है, इंक्रीज द स्टेबिलिटी, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है एंड इनिशिएशन में भी हेल्प करता है। इसमें क्या होता है कि दिस इज द पॉली ए सिग्नल, दैट इज AAUAA, यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज द पॉली ए सिग्नल, ये है पॉली ए साइट और यह जीयूरिस सीक्वेंसेस। इसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए जैसे CPSF, CSTF, CF1, CF2। व्हाट इज दैट? ये है CPSF का मतलब है क्लीवेज पॉली एडेनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर, CSTF है क्लीवेज स्टिमुलेटरी फैक्टर, CF1 और CF2 जो है ये क्लीवेज फैक्टर विच एक्ट्स लाइक, जो कि क्लीवेज फैक्टर की तरह करते हैं, इंडो न्यूक्लियस की तरह काम करते हैं। एंड देयर इज सम पाप एंड पाप का बाप, ठीक है। ये क्या है? पॉली ए पॉलीमरेज, दैट इज PAP पाप, और PABP दैट पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन, दिस इज पाप का बाप, ये है PABP, ठीक है। क्या होता है चलिए देखिएगा, पॉली ए सिग्नल से बाइंड करता है CPSF, पॉली एडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर है, मतलब किससे बाइंड करेगा? पॉली ए सिग्नल से। उसके साथ CSTF बाइंड करेगा स्टिमुलेटन से, ये दोनों अलग होते हैं, जैसे ही साथ जुड़ेंगे देखिएगा, जैसे ही ये साथ जुड़े यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही ये चीज़ साथ आ गई, आने के बाद इनका पंगा जो है वो हो गया मस्त, मतलब जैसे ही ये CSTF CPSF जुड़े, जुड़ने के बाद ये हो जाएंगे एक्टिवेट, क्योंकि ये स्टिमुलेट कर देगा, स्टिमुलेट करेगा तो क्लीवेज फैक्टर जो कि एंडोन्यूक्लियेजेस थे ये एक्सपोज्ड ए साइट पे, जो पॉली ए साइट था एक्सपोज हो जाता है, क्योंकि जब दो रस्सियों को मोड़ोगे, अगर आप इस तरीके से देखोगे तो वायर को जब आप मोड़ोगे तो ये जो है एक्सपोज हो जाएगा, तो इस पे जो होगा यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। सो एग्जैक्टली जो होगा कि पॉली ए पॉलीमरेजेस नॉर्मली अगर हम बात
करते हैं तो पॉली ए पॉलीमरेज क्या करेगा कि ये जो है यहाँ से देखिएगा कि कट कर देगा इस पर्टिकुलर सीक्वेंस से, कट करते ही यहाँ पे पॉली ए पॉलीमरेजेस इससे थ्रू ऐड करना शुरू कर देगा और पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो ये है पॉलीएडेनाइलेशन। ठीक है, CPSF, CSTF अलग अलग साइट पे बाइट किए, आपस में जुड़े, एक्टिवेट हुए, इंडो न्यूक्लियस कट किया और पॉली ए पॉलीमरेज ऐड करना शुरू कर दिया। नाउ पॉलीएडेनाइलेशन जैसा कि आपने देखा था, देखिए ये है कुछ कुछ चीज़ें जो चल रही थी। प्री mRNA है, इसमें है CPSF जो यहाँ बाइंड किया था, ये है CSTF बाइंड किया, यहाँ पे क्लीवेज फैक्टर 1 कट किया और पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन इस तरीके से इसको एक्टिवेट कर रहा है, चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ें जो आपको डिस्कस किया गया था, ये जो है क्लीवेज के बाद होती है। नाउ दिस इज लाइक, ये तो थे आपके दो चीज़ें, अब बात करते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में अलग अलग इंट्रॉन्स होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, न्यूक्लियर ट्रांसफर RNA, डिफरेंट काइंड ऑफ इंट्रॉन्स होते हैं। और इसमें जो होते हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, दे आर सेल्फ स्प्लाइसिंग, खुद से कहते हैं स्प्लाइस्ड होने वाले इंट्रॉन्स है, सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स है। जबकि ग्रुप न्यूक्लियर mRNA स्प्लाइसियोसोम मीडिएटेड है। कैसा है ये स्प्लाइसियोसोम मीडिएटेड होता है, इसको एक स्प्लाइसियोसोम की असेंबली की जरूरत पड़ती है। जबकि ये जो होते हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, जो कहाँ पाए जाते हैं, ये दे आर जनरली प्रेजेंट इन द राइबोसोमल RNA, ये राइबोसोमल RNA में होते हैं जो कि सेल्फ स्प्लाइस्ड खुद होते हैं। मैकेनिज्म लेकिन थोड़ा सिमिलर होगा, हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा स्प्लाइसियोसोम की असेंबली कैसे होती है। जब हम स्प्लाइसियोसोम की असेंबली के ऊपर बात करते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले देयर इज लाइक GUAG इंट्रॉन, यहाँ पे पाया जाता है GUAG। ठीक है, GU5' स्प्लाइसाइट, बीच में A होता है, ये होता है AG। ठीक है, ये देखिएगा ये है 5' स्प्लाइसाइट, बीच में होता है ब्रांच पॉइंट और ये होता है 3' स्प्लाइसाइट। ठीक है, इनके बीच में ये किस्सा कुल इसी तरीके से होता है। जब हम बात करते हैं mRNA प्रोसेसिंग के लिए तो वहाँ पे U1 BBP एंड U2F, U1 बाइंड करेगा इससे, किससे, 5' से। देखिए U1 बाइंड किया 5' स्प्लाइस साइट से और BBP कहाँ बाइंड करेगा, ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन कहाँ बाइंड करेगा, इस पे, यहाँ पे BBP बाइंड किया। उसके बाद जुड़ता है दैट U2। ठीक है, सो दिस इज लाइक कि ये जब U1 बाइंड किया था तो दिस इज कमिटमेंट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स E बना था। जैसे U2 बाइंड किया बीच वाले से, यहाँ पे बाइंड करता है U2, यहाँ पे बाइंड करता है BBP एंड U2, ये U1 बाइंड किया 5' स्प्लाइस साइट से, U2 यहाँ पे किया, बाइंड करने के बाद देखिए इस तरीके से हुआ, ये B1 कॉम्प्लेक्स बना, U456 आए, आने के बाद ये क्या करेंगे, देखिए जुड़े हुए U1 U2 से इंटरेक्ट किया और ये स्प्लाइसोसोम क्या करते हैं कि फिर रिस्पॉन्सिबल होता हो जाते हैं अटैक के लिए। क्या अटैक होता है, ये जो ब्रांच पॉइंट A है ना, इसके पास फ्री ग्रुप पाया जाता है, दैट इज 2'OH। ये 2'OH जो होते हैं, क्योंकि ये RNA है, RNA में 2'OH पाया जाता है और ये 2'OH RNA की वजह से होता है और ये अटैक कर देता है 5' स्प्लाइस साइट पे, यहाँ पे। तो यही देखिए ये जो है अटैक कर दिया, यहाँ पे अटैक करके इसको तोड़ेगा और तोड़ने के बाद इसको नज़दीक लेके आया, नज़दीक तोड़ेगा, कट करेगा, कट करके फिर इस जैसे कट करेगा यहाँ का, और ये इस तरीके से कट होके अपने बाइंड कर लिया और ये एक्सॉन का जो RNA था वो इस तरीके से फ्री हुआ, फ्री होके इस पर्टिकुलर केस में काम करेगा। तो इस चीज़ पे हम बात करते हैं मैकेनिज्म पे, पहले देखिएगा क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था एक बार फिर से। मतलब कोई भी RNA थे, इसमें GUAG इंट्रॉन पाया जा रहा था, ध्यान दीजिएगा कि एक होता है दैट GU, बीच में पाया जाता है A और लास्ट में होता है AG। ठीक है, यहाँ पे होता है एक एग्जॉन 1 और ये होता है इसके आगे एग्जॉन 2। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस जो पाया जा रहा है ये है इंट्रॉन। ठीक है, ये इंट्रॉन है। नाउ अब ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि इस तरीके से पूरी चीज़ें चल रही हैं GUAG इंट्रॉन में। तो क्या होता है कि ये यहाँ पे 2'OH इस तरीके से होता है, इस पे जो बाइंड करेगा U1, इस पे बाइंड करेगा U2 और BBP ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन, इसके साथ U4, U5, U6 आएंगे और इन सब से इंटरैक्ट करके अटैक करवाएंगे। अब अटैक कैसे होगा, क्या होगा, उस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिएगा कि ये होता है कुछ इस तरीके का किस्सा, मैं अब स्प्लाइस साइट लिख रहा हूँ नाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये है 5' स्प्लाइस साइट और ये है 3' स्प्लाइस साइट और ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं ब्रांच पॉइंट। तो ये है 5' स्प्लाइस साइट, ठीक है, 5' स्प्लाइस साइट, यहाँ पे है 3' स्प्लाइस साइट और ये जो है आपका बीच में ब्रांच पॉइंट है।
ये है देखिए 5' एंड और ये 3' एंड। ये जो है यहाँ इसका जो है 2' OH जो है फ्री रहता है। मैकेनिज्म स्प्लाइसोसोम ही कंडक्ट करवा रहा था, लेकिन 2' OH अटैक करेगा किस पे, इस पर्टिकुलर जगह पे। तो ये है देखिए एग्जॉन 2 और ये है एग्जॉन 1। अटैक किया तो ये एग्जॉन 1 तो यहां पे रह जाएगा एज इट इज, ये इससे खुद से बाइंड कर लिया, यहां से बाइंड किया ऐसे, और ऐसे बाइंड करके ये ऐसे पड़ा रहा, यहां पे है 3' स्प्लाइस साइट। अब देखिएगा कि ये यहां से बीच में इस तरीके से बाइंड कर लिया, ये जो एंड हुआ क्योंकि ये 5' एंड था, तो इसका जो एंड अब फ्री हुआ होगा वहां पे 3' OH फ्री हुआ होगा, किसका, एग्जॉन 1 का, और ये है एग्जॉन 2। अब ये एग्जॉन 1 का जो होता है ये वाला हिस्सा, ये अटैक करेगा किस पे, ये अटैक करेगा अब 3' स्प्लाइस साइट पे। जब ये यहां पे अटैक किया था, ठीक है, ये यहां पे अटैक किया, तो यानी कि देखने की कोशिश करिएगा, मैंने जो चीजें बताई हैं उन्हीं चीज पे बात कर रहे हैं कि यहां पे अटैक किया, अटैक करने के बाद दिस इज द फर्स्ट ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, पहला ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन हुआ। उसके बाद अब ये जो है 3' OH अटैक किया इस 3' स्पाइस साइट पे, तो अटैक करने के बाद एक एग्जॉन इधर और ये जुड़ेगा इस पर्टिकुलर एग्जॉन से, दैट इज सेकेंड ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन एस्टर बॉन्ड को दूसरे से जोड़ रहा है, तो एग्जॉन 1 एंड एग्जॉन 2 जुड़ जाएगा, क्योंकि यहां से ये अटैक करेगा इसके 5' पे बाइंड कर लेगा, और ये जो है ये एक लैरियट स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, लैरियट स्ट्रक्चर जो है वो मिल गया, और बाकी एग्जॉन 1 एंड एग्जॉन 2 जो है वो सील हो गए। तो ये है आपका स्प्लाइस्ड आरएनए, स्प्लाइस्ड आरएनए, ठीक है। तो ये चीज जो होती है यूटिलाइज की जाती है। इसमें ध्यान देना कि बहुत ही सिंपल सा पंगा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार की पॉइंट्स कि देखिएगा 2' जो होता है, 2 ब्रांच पॉइंट का जो होता है, ए का 2' OH अटैक करता है 5' स्प्लाइस साइट पे, ये होता है। इसके बाद एक 5' स्प्लाइस साइट से फ्री होता है 3' OH, ये 3' OH जो होता है एग्जॉन 1 का अटैक करता है 3' स्प्लाइस साइट पे, और फिर आपको ये जुड़ जाते हैं। तो एक अटैक जो होता है वो होता है 25 वाला, और दूसरा जो अटैक होता है वो होता है 33। सो दिस इज 25 एंड 33। 25 का मतलब यह ब्रांच पॉइंट, यह है 5' स्प्लाइस साइट, और यह 3' OH ऑफ द एग्जॉन 1 और 3' स्प्लाइस साइट। सो दिस इज 25-33 केस, ये चीज ध्यान हो गई तो अच्छी बात है। सेम केस ग्रुप 2 इंट्रॉन में होता है जब राइबोसोमल आरएनए होता है, बस फर्क इतना होता है कि यहां पे स्प्लाइसियोसोम की असेंबली है और वहां पे नहीं होती, वो अपने आप होता है, ठीक है। तो ये चीज जो होती है यहां पे पाई जाती है। अब अगर देखेंगे तो एग्जैक्टली देखिएगा, ग्रुप 2 इंट्रॉन नॉर्मली जो होते हैं सिमिलर लाइक, नॉट एग्जैक्टली, इट इज सिमिलर लाइक ग्रुप 2 इंट्रॉन। ब्रांच पॉइंट है देखिए 2' OH अटैक किया यहाँ पे इस फॉस्फेट ग्रुप पे, जी यू पे हटाया, फर्स्ट ट्रांसेस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन रहा, रहने के बाद ये अलग हो गया एग्जॉन 1, इसका 3' OH फ्री हुआ और ये लैरियट स्ट्रक्चर बना लिया था। फर्स्ट ट्रांसेस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन पार्टिसिपेट ऑफ द 5' स्प्लाइस साइट एंड 2' OH, 5' स्प्लाइस साइट और 2' OH को इन्वॉल्व करता है। इसके बाद दूसरे टाइप में ये जो 3' OH था अटैक किया 3' स्प्लाइस साइट पे, 3' स्प्लाइस साइट पे अटैक किया, 3' स्प्लाइस साइट क्लीवेज हो जाएगा एंड एग्जॉन का लाइगेशन एंड ये लैरियट स्ट्रक्चर अलग हो गया, लैरियट स्ट्रक्चर जो है अलग हो गया। तो ये जो है 25-33 आपको ध्यान रखना, दो ट्रांसेस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होते हैं और 25-33 का केस चल रहा होता है। इसमें क्या मिलता है, लैरियट स्ट्रक्चर मिलता है, क्या मिलता है भैया, ये लैरियट स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, किसमें, mRNA में। आरएनए एडिटिंग के केसेस भी होते हैं, वहाँ पे कुछ आरएनए एडिटिंग किए जाते हैं, गाइड आरएनए का यूज़ किया जाता है और मॉडिफिकेशन A2I, C2U, UCC किया जा सकता है। गाइड आरएनए क्या करता है कि वो एडिटिंग, ये एडिशन के लिए भी यूज़ हो सकता है या डिलीशन के लिए भी हो सकता है आरएनए एडिटिंग में। देखिएगा ये है गाइड आरएनए, इसमें अगर इस डिलीट करना है यूरिडीन को तो गाइड आरएनए सीक्वेंसेस के साथ जुड़ेगा। जब इस तरीके से गाइड आरएनए जुड़ा, जुड़ने के बाद एंडोन्यूक्लियस से क्लीव किया जाएगा। एंडोन्यूक्लियस क्या किया कि यहाँ से कट किया, इसमें भी कट किया,
अब जब इसको रिमूव करना होगा तो एक्सो यूरिडिनेज, मतलब यूरिडीन को रिमूव करना है तो एक्सो यूरिडिनेज यहाँ पे यूज होगा। यूरिडीन का रिमूवल हुआ, रिमूवल होने के बाद लाइगेज कर दिया, बहुत सिंपल है। इंडोराइगो न्यूक्लियस से कट करो, गाइड आरएनए पहले करेगा, फिर इसको डिलीट किया और फिर लाइगेट कर दिया। ऐड करने के लिए वही गाइड आरएनए यहाँ पे जुड़ा था और उसमें TUTAs, टर्मिनल यूरिडीन ट्रांसफरेज, ठीक है। TUTAs का नाम क्या है? टर्मिनल यूरिडीन ट्रांसफरेज। तो ये जो है टर्मिनल यूरिडीन ट्रांसफरेज, जैसे ही 3'OH इसको मिलेगा, यहाँ पे ढेर सारे यूरिडीन को ऐड कर दिया, देखा, ढेर सारे यूरिडीन को ऐड कर दिया और कर दिया। तो ये जो है गाइड आरएनए, ये बेसिकली जो आप देख रहे हैं कलरफुल, ये क्या है? ये गाइड आरएनए, और क्या हेल्प कर रहा है? यूरिडीन के इंसर्शन को और यूरिडीन के डिलीशन को। तो गाइड आरएनए, ध्यान देना, इसको जी आरएनए भी बोला जाता है। इसका मेन फंक्शन क्या है गाइड आरएनए का? इंसर्शन और डिलीशन। किस चीज का? इंसर्शन और डिलीशन किसका? किस बेस का? ऑफ यूरिडीन, ठीक है, इसका उत्तर। नाउ राइबोसोमल आरएनए के ऊपर जब हम बात करते थे, तो राइबोसोमल आरएनए में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपसे बात किया था प्रोसेसिंग के तौर पे, यहाँ पे नॉर्मली कटिंग, कटिंग करने में का मतलब एंडोन्यूक्लियेजेस यूज़ हो जाएंगे। केमिकल मॉडिफिकेशंस के लिए SNO आरएनए यूज होता है राइबोसोमल आरएनए के लिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है। इसमें स्प्लाइसिंग नॉन स्प्लाइसिसो मीडिएटेड होता है, सेल्फ स्प्लाइसिंग होती है, ये ऑटो कैटालिटिक होते हैं और ये काम करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें दोनों ग्रुप के इंट्रॉन पाए जाते हैं, आपके ग्रुप 1 भी पाया जाता है और ग्रुप 2 भी पाया जाता है। ग्रुप 2 पूरा का पूरा जो होता है, जो मैंने आपके बताया था हमारे, वैसा होता है। ब्रांच पॉइंट का जो ए होता है, देखिए, वो अटैक करेगा 5' स्प्लाइस साइट पे, 5' स्प्लाइस पे अटैक करके यहाँ पे एक इस तरीके से लैरिएट स्ट्रक्चर बनाएगा, और 5' इस एंड पे 3'OH अटैक करेगा 3' स्प्लाइस साइट पे, और ये जुड़ जाएंगे दो एग्जॉन्स और ये इस तरीके से चीज़ें अलग हो जाएंगी, लैरिएट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। सो ग्रुप 2 इंट्रॉन के लिए एग्जैक्ट वही चीज़ जो mRNA में हमने देखा था, 25-33, क्या होता है 25-33, यही कोड बनेगा। 2' ब्रांच पॉइंट अटैक करेगा 25 इस पे 5' स्पाइस साइट पे, और 3' फ्री होके वो इस 3' स्पाइस साइट पे अटैक करेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट ग्रुप 1, ग्रुप 1 इंट्रॉन में बस ब्रांच पॉइंट में ए नहीं पाया जाता, इसमें जो होता है ब्रांच पॉइंट पे ए नहीं पाया जाता, इसमें क्या होता है एक्सटर्नल GTP होता है। दिस इज लाइक एक्सटर्नल GTP। एक्सटर्नल GTP क्या करेगा कि उसका जी जो होता है उससे अब GTP का 3' OH अटैक करेगा, ना कि 2'OH। तो GTP का देखेंगे 3' OH अटैक करेगा, इसका 3' OH अटैक करेगा 5' स्प्लाइस साइट पे, उसके बाद ये इस तरीके से जुड़ा, अटैक किया, एक्स्ट्रा कट हुआ, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, GTP का 3' OH जो है वो अटैक कहाँ किया, इस पर अटैक किया। अटैक करने के बाद नॉर्मली क्या है कि फिर ये कट हो गया, कट होने के बाद 3' OH फ्री हुआ, ये अगेन उसी 3' स्पाइस साइट पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद ये यहाँ पे कोई लैरिएट स्ट्रक्चर नहीं मिला और एक जॉन जो है जुड़ गए। तो ग्रुप 2 में आपको लैरिएट जरूर मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, नो लैरिएट स्ट्रक्चर, कोई भी लैरिएट नहीं मिल रहा है। कोड क्या हो जाएगा? कोड है यहाँ पे 35-33, यानी ये जो है ये एक्सटर्नल GTP से आ रहा है, ब्रांच पॉइंट से नहीं आ रहा, बाकी चीजें जो हैं वो सेम है, ठीक है। दिस इज फॉर द ग्रुप 2 इंट्रॉन। प्रोसेसिंग ऑफ tRNA के ऊपर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, इसमें कई सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं। केमिकल मॉडिफिकेशंस के लिए CCA इंड का ऐड किया जाता है टर्मिनल ट्रांसफरेज से। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये tRNA है, इस CCA इंड को जोड़ा जाता है एक एंजाइम, दैट इज टर्मिनल ट्रांसफरेज या न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज करके। कटिंग एंड ट्रिमिंग के लिए RNHP होता है, देखिए कट कर रहा है RNHP होता है। ट्रिमिंग करने के लिए ये मॉडिफाई करेंगे, कट किया RNHP, कट किया RNF होते हैं, कट करते हैं और कट करके हटाते हैं। इसके साथ साथ दिस इज लाइक सब मॉडिफाइड बेसिस आर देयर, देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे क्या है कि ये पूरा प्रिकर्सर है जिसमें CCA एंड है, यहाँ पे ये ऐड किया हुआ था, RNHP कट किया यहाँ से, RNHF यहाँ से कट किया, फिर उसके बाद RNHF कट करने के बाद कुछ RNSD जो कि इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेंगे, और इस तरीके से फाइनल प्रोसेस्ड आपका ये मिल जाएगा, ठीक है, मॉडिफाई के फॉर्म में। तो क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं इसमें, RNH के कौन कौन से, RNHP, RNHF और RNHD, ये जो होते हैं पूरे के पूरे पार्ट में इन्वॉल्व होते हैं। कैसे काम कर रहे हैं, RNHP इज द एंडोन्यूक्लियस, RNHP जो होता है एंडोन्यूक्लियस है, RNHF भी एंडोन्यूक्लियस है, लेकिन RNHD एक्सो की तरह काम करता है,
एक्सो की तरह काम करता है, एक एक करके हटा रहा होता है, दिस इज द केस हियर। ठीक है, आरएनएसपी भी एंडो है, आरएनएचएफ भी एंडो है, ठीक है, ये भी एंडो, ए भी एंडो, लेकिन ये जो है एक्सो की तरह काम कर रहा है। अब इसमें जो इंट्रॉन पाया जाता है उसकी स्प्लाइसिंग में कोई भी लैरियट स्ट्रक्चर नहीं होता, ना ही ये स्प्लाइसिसो मीडिएटेड होता है। इसमें कई सारे एंडोन्यूक्लियेजेस, फॉस्फोडाइस्टरेजेस, काइनेजेस एंड लाइकेजेस की जरूरत पड़ती है। कैसे, देखिएगा कि यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं इंट्रॉन स्प्लाइसिंग में, तो ये है टी आर एन ए। टी आर एन ए का कलर से आप देख सकते हैं ये इंट्रॉन सिक्वेंसेज है। पहले आप एंडोन्यूक्लियस से क्लीव करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे पहला एंजाइम जो होता है, यू हैव टू यूज़ द एंडोन्यूक्लियस। क्या यूज़ करना पड़ेगा आपको, एंडोन्यूक्लियस यूज़ करोगे। एंडोन्यूक्लियस जब आपने यूज़ किया यहाँ पे, तो ये कट करेगा। ये कट करने के बाद जनरली यहाँ पे आरएनएज जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, और आरएनएज में जनरली पी होता है जो कि जनरेट करता है क्या, 5' OH। क्या करता है ये 5' OH और 3' फॉस्फेट को जनरेट करता है, जिससे कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है, फंजाई हो या बैक्टीरिया हो। अब इस केसेस में क्या होते हैं कि फॉस्फोडाइस्टरेजेस, जो फॉस्फोडाइस्टरेजेस होते हैं इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं, जो 3' पे बनता है। डिफरेंस यही पे आता है, जनरली हमको क्या मिलता है, कोई भी चीज़ टूटती है तो 3' OH और 5' फॉस्फेट मिलता है जनरली, बट यहाँ पे tRNA, ये जो केस है वो जनरल केस है, लेकिन tRNA में स्पेसिफिक क्या मिलता है, स्पेसिफिक मिलता है कि इसमें मिलता है 3' फॉस्फेट एंड 5' OH, और 3' फॉस्फेट एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देता है, इसीलिए इसको क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टरेज पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर को तोड़ेगा। तोड़ने के बाद अब चाहिए काइनेजेस। काइनेजेस क्या करेंगे, काइनेज जो होगा कि नॉर्मली एक जगह इस जो 5' OH था वो 5' को फॉस्फेट करेगा। इसको करने के लिए चाहिए आपको काइनेज, काइनेज को फॉस्फोरिलेट करेगा, और नॉर्मली फॉस्फोडाइस्टरेजेस के साथ ये OH मिला और ये OH 3' OH क्रिएट हुआ, और काइनेजेस 5' फॉस्फेट, और ये फिर आपस में सील हो जाएंगे। कौन सील करेगा, लाइगेजेस, तो दैट लाइक कि ये जो है आपके सील करेगा और इस तरीके से डायरेक्ट लाइगेशन हो जाएगा। सो दिस इज द केस जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। पहले एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस से कट होके 3' फॉस्फेट 5' OH, फिर ये पूरा का पूरा केस 5' OH से 5' काइनेज, 5' फॉस्फेट बनाने के लिए काइनेज चाहिए, 3' OH जो 3' फॉस्फेट था जो कि साइक्लिक था, उसको 3' OH बनाने के लिए क्या चाहिए, फॉस्फोडाइस्टरेज, फॉस्फेटेज नहीं, फॉस्फोडाइस्टरेज, ठीक है, क्योंकि साइक्लिक होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेता है, इसी वजह से फॉस्फोडाइस्टरेज चाहिए, फॉस्फेटेज नहीं चाहिए, ध्यान रखना। एंडोन्यूक्लियस चाहिए, फिर फॉस्फोडाइस्टरेज चाहिए, फिर काइनेजेस चाहिए और लाइगेजेस चाहिए। लाइगेजेस जोड़ने के लिए एंडोन्यूक्लियस क्या क्रिएट करेगा, एंडोन्यूक्लियस करेगा 5' OH और 3' फॉस्फेट। फॉस्फोडाइस्टरेज क्या करेगा, ये 3' फॉस्फेट को 3' OH में कन्वर्ट कराएगा, और काइनेजेस क्या करेगा, 5' OH को 5' फॉस्फेट में। लाइगेजेस क्या करेगा, इनको जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो होती है वो इन्वॉल्व हो जाता है, ये है आपका tRNA स्प्लाइसिंग, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक, अगर क्लियर होगा तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर है तो और भी अच्छी बात है। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चरशिप या PhD का अरमान, हमारे पास से आपके हर एक मुश्किल का समाधान, हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर CSIR 2024 एग्जामिनेशन, मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, PDF नोट्स और भी बहुत कुछ। वेद में, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेद में वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। Use करिए कोड WEDME20 for getting the 20% discount. WEDME, educating India. WEDME, educating India.